है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के हमको पछतावा हुआ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मुझे इंटरव्यू किसी को नहीं देना है और जल्द से जल्द मुस्तल्ला या तो सैनिक में एडमिशन। लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के हमको पछतावा हुआ हुआ है। गमछा बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, ये तरीका गलत है। कौन किया है? बाबू एक सेकंड, बाबू एक शांत हो जाइए, पानी पहले पियो। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा हमको दिया जाए, एडमिशन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, एडमिशन और सुरक्षा दोनों चाहिए। सोनू शायद आईएएस बनने के बदले शायद नेता बन जाएंगे और उन्हें नेता बना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर रवैया हम देख रहे हैं उनके गांव नालंदा के हरनौत में आकर के उसको अपने घर पे नहीं, एक आईटी कॉलेज है ना, आईटी कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है और आईटीआई कॉलेज है और यहाँ पर लगभग 50 मीडिया वाले अभी हमको नजर आए और दिन भर में देखे तो 100 200 300 400 इतने मीडिया वाले आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। उसको क्या करना था, एडमिशन करवाना चाहिए था, क्योंकि 5 दिन हो गया है सीएम नीतीश कुमार से मिले हुए, लगातार मीडिया न्यूज चैनल में उसे दिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है। अब लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हमको पछतावा हुआ है। क्यों ऐसा आपको? क्योंकि भाई हम चाह रहे हैं कि जैसा हमको आराम चाहिए, जैसा हम दिमाग माइंड फ्रेश करना चाहिए। हम भाई साहब को बोले हैं कि हम शाम को भाई आप लोगों का हम अच्छा से इंटरव्यू दे दूंगा। हम रोज बोल रहे हैं, सभी को हम बोल करके भेजाता हूँ कि शाम को इंटरव्यू हम अवश्य बोलिए। मुझे इंटरव्यू किसी को नहीं देना है और जल्द से जल्द मुतल्ला या तो सैनिक में एडमिशन हमको चाहिए। हाँ, एडमिशन इंटरव्यू नहीं देना। देखिए, सरकार पर अभी हमको विश्वास है, अभी विश्वास टूटा नहीं है और उनके पास थोड़ा सा जल्दी करने के हम अच्छी चाहते हैं, जो है मांग करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी वो करें ताकि जो है हमको सोनू जल्दी नहीं, आप बोलिए कल मेरा एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो, कोई भी कल मेरा एडमिशन का प्रोसेस फटाफट शुरू किया जाए। हाँ, चैनल में नहीं आना क्योंकि आप पागल हो जाएगा इस तरह, मैं बता रही हूँ। ये तो है ही कि अब बताइए ना, इतना लोग घेरे हुए रहते हैं जिसमें कखनियों अगर हम इंटरव्यू देंगे ना तो हमको कखनियों चुप नहीं रहने का मौका मिलेगा, कखनियों नहीं। वो तो जरसा सोए हैं तो थोड़ा हम बोलने का हिम्मत आया है, तो हिम्मत तक नहीं था। कल रात को सवेरे ही सो गए क्योंकि थके हुए न रहते हैं। अब देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन है कि एडमिशन होगा नहीं होगा। देखिए, हम बोल रहे हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री से कि सुरक्षा हमको दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, एडमिशन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, एडमिशन और सुरक्षा दोनों चाहिए। क्योंकि अब हमको गांव में जो है बहुत दिक्कत है, अब गांव में भी दिक्कत है, जैसे इतना लोग घेरे हुए रहते हैं, दिक्कत लगता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।